मोदी सरकार पर अब कौन लगाएगा अंकुश, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर देखा जा रहा था कि गठबंधन बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकलकर आएगा और बहुत सारी सीटों पे अपनी बढ़त दिखाएगा, लेकिन बसपा और कांग्रेस और सपा सभी पार्टियां बहुत अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। भाजपा ने अकेले ही 300 का आंकड़ा पार कर दिया और अब विपक्ष के अंदर कौन इनकी बातों को रोकेगा। बीजेपी के साथ अन्य सहयोगी पार्टियों के इस जीत को और भी प्रचंड बना दिया है। एनडीए ने लोकसभा की कुल 353 सीटों पर कब्जा किया है, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए 92 सीटों पर सिमट कर रह गया है। सपा और बसपा का मजबूत गठबंधन आपके सामने है, जो यूपी के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन वोटों की बात करें तो दूसरे नंबर पर बसपा और सपा के गठबंधन ने अपना बेजोड़ गठबंधन दिखाया है। कांग्रेस के अकेले प्रदर्शन की बात करें तो काफी खींचतान के बाद पार्टी को महज 52 सीटों पर सफलता मिली है। भाजपा की इस बड़ी जीत के बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष के सामने एक बार का अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। 17वीं लोकसभा के अंदर सरकार के सामने आधिकारिक रूप से विपक्ष का नेता नहीं होगा। पिछली सरकार में भी ऐसा ही कुछ था, उसको देखते हुए लगता है कि अब अपने मनमानी काम हो सकते हैं बीजेपी के अंदर। सदन में सरकार के सामने कई विपक्षी पार्टियां होती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उस पार्टियों के विपक्ष का नेता बनाने का मौका मिलता है जिसके पास कम से कम 10% सीटें हासिल हो, यानी कि 543 सीटों वाले लोकसभा विपक्ष का नेता उस पार्टी का होगा जिसके पास कम से कम 55 सीटें होंगी। इस बार कांग्रेस इस आंकड़े को छू पाने में सफल नहीं रही और पार्टी के पास 52 सांसद हैं और विपक्ष नेता का तमंगा हासिल करने से 3 पायदान नीचे रह गई है। 2014 में चुनाव के बाद करें तो कांग्रेस में 44 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी और उस बार भी सदन में विपक्ष का नेता नहीं मिल पाया था। मोदी राज में सिर्फ विपक्षी पार्टियों को बल्कि विपक्ष के नेताओं का अस्तित्व पर संकट गहराया गया है कि अब सवाल उठता है कि ऐसे में भारतीय लोकतंत्र किस ओर जाएगा, इस पे सबकी नजर बनी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।